तो ये मूवी जरूर देखो और संभल जाओ, सारी हिंदू लड़की जरूर देखे। हाँ, और संभल जाओ। और मैंने मूवी में जो सबसे अच्छी एक लाइन लगी, जो मैंने पर्सनल लगी, जो एक लड़की ट्रैप में फंसे लेकिन वो वापस आ जाओ, जब उसने पता चला कि मैं ट्रैप में फंस चुकी हूँ लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाओ, तो अपना आकर घर वाला तो सॉरी बोला, तो अपने पापा तो एक बात कह रहे कि आपने हम ते बचपन ते हर चीज़ सिखाई, हर चीज़ ए टू जेड चीज़ सिखाई, बट आप एक चीज़ सिखाना भूलगा, आपने हमारे ते हमारा हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताई कुछ भी, ठीक है। तो वो मैंने एक लाइन बढ़िया लगी, तो अपने हिंदू धर्म ने भी जानो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं द केरला स्टोरी देखने, मैं और नितिन और भाभी, और आज 14 मई है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। वो लोग तो नहीं जा रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम देखाओ, क्योंकि भाई वो पुराने ज़माने के कहीं जाते तो है नहीं, अब क्या कर सकते हैं। 27 साल हो गए उनकी शादी को, अब तक कहीं नहीं गए वो कभी भी। बहुत हमने मनाया था पर नहीं माने, तो हम क्या करें भैया। ओके, तो द केरला स्टोरी हम देखने जा रहे हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस मूवी को सपोर्ट करो। और जो लोग स्टोरी डालते हैं यार, घर बैठे स्टोरी डालने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे थिएटर में जाके देखो तभी सपोर्ट होगी मूवी को। कितना दिन चल गया वो? तो गाइज हम आ चुके हैं पतंजलि स्टोर पे, घर का राशन खत्म हो रहा है, वो लेने अभी लेते हैं। से हाय। हेलो। सामान हो चुका है डन, रामदेव पापा का। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं एरिया मॉल मूवी देखने द केरला स्टोरी। मूवी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और जितनी भी लड़कियां हैं टीनेज गर्ल्स, उनको जरूर देखनी चाहिए ये मूवी। सारी फैमिली जाके सपोर्ट करो इस मूवी को। नितिन आपको कुछ कहना है ना? इस मूवी ना सपोर्ट करो सब, और मोस्टली मतलब स्पेशली हिंदू गर्ल्स जो है वो जरूर देखो इसने। हाँ। जो छोटी है बड़ी है जो भी है, पर सब न, सब देखो इस मूवी ने और सपोर्ट करो भाई। मेरे हिसाब से तो पूरी फैमिली ने जाकर देखनी चाहिए ये मूवी, तभी कुछ। और जो बाकी ना देख पा रहा या टाइम नहीं है, कोई दिक्कत ना, बाद में टीवी पर आएगी जब देखियो, पर इस मूवी ने जिंदगी में देखो जरूर, और अपनी जिंदगी में अप्लाई करो, और ऐसी मूवी ने सपोर्ट करो। द कश्मीर फाइल्स आई थी, अब द केरला स्टोरी आई है, और अभी थोड़ा टाइम बाद 2024 में द दिल्ली फाइल्स भी आएगी, तो ऐसी मूवीज ने सपोर्ट करो भाई और सब देखो। हाँ, तो अभी एरिया मॉल चलते हैं, 4:56 का शो है, मूवी देख के आपको बताएंगे मूवी कैसी है, सब देखना फिर उसके बाद, ठीक है। एक मिनट रुकियो। इसको डायमंड में ना हूँ, डायमंड के। तो गाइस अभी चलते हैं मूवी देखने। क्या टाइम हो रहा है? मैं तेरे क्यों हूँ? टाइम क्या हो रहा है? 4:30 होगा, 4:56। 4:56 क्या नाम है? मैं तेरे क्यों हूँ? अरे या तेरी रसमलाई कौन सी वाली? येलो येलो राबड़ी, राबड़ी वाली, राबड़ी राबड़ी है वा राबड़ी। उसके कहते टच क्यों कर रहे हैं गाइस? देखो क्या कर रही है पागल, सही में बहुत बुरी आ रही है तेरी सच में। ले क्यों रही है? तीन दुकान तेरे को सिर्फ गोर का बनेगा। हम सबसे पीछे बैठे हैं, कुछ भेजा है व्हाट्सएप, चेक करो ना। कादा रुक जा अभी तक। बहुत फिल्म तो काफी थ्रिलर वाली।
रही थी। प्यास लग रही है। रोंगटा सा खड़ा हो रहा है ये फिल्म में। और बाकी लास्ट में बताएंगे। वैसे तुम्हारा रियो गाइस इतना अमीर होना है कि ये रेट ना देख सको कितने का है। भैया लूट मचा रखी है एकदम। भाई देखो कितना लूट रहा है। तेज बोल थोड़ी यहाँ सुने। भाई देखो यहाँ कितना लूट रहा है। स्मॉल पॉपकॉर्न है 45 ग्राम 350 को, तो 90 ग्राम होना चाहिए 700 को, लेकिन 45 ग्राम है 350 को और 370 को है 80 ग्राम, 100 ग्राम है 390 को और 500 रुपये को 240 ग्राम। लूट मचा रहा है। तेरी तो बढ़िया रही इसकी बेकार। आपकी है ये विदेशी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के बारे में आप सिखाते गए, बट कभी हमारा रिलीजन हमारा ट्रेडिशन उसके बारे में तो बताया ही नहीं। Deep meaning for all Hindu girls. जा रहे मैक्स में, भाभी को कुछ लेना पता नहीं और ये इंसान जाने नहीं दे रहा था, पर हमेशा की तरह हम तो जाके मानेंगे तो क्या करें। अब चलते हैं। इन्होंने कर दिया फूड वेस्ट को, मैं उठा लाया रेड लाइट को। देखो वेस्ट ना करो। हाँ तो वेस्ट है ना, वो बचा दियो। ओ भाई यहाँ उठा लाया उसने एकदम। अभी देखते क्या लेना है यहाँ से, फिर लेके गाड़ी में चलेंगे, फिर बताएंगे मूवी कैसी थी, क्या आंदी थी। इसका पास है ना 10 जोड़ी है, पहले जब भी यही है। आज मेरी पैंट बदलवा दी, छो आ रहा हूँ। गाइस एक तरह की पैंट पहनता है, हमने इसकी पैंट अलग करवा दी। नींद भी ना आवेगी। औकात बाहर चल रहा यहाँ, बेचैन नहीं रहेगी रात में। तू एक बार जारा में जाना, एक बार गए होकर जारा में जाऊंगा। तू जा भी ना सके, औकात देखनी है तो वहां जाओ। गुच्ची लुइस औकात के देखनी है भाई, ले ना सकू मैं। सरोजनी चल नहीं रही, जा रहा बैठी है। गाइस अमीरों वाली चप्पल। गाइस मेरे जूतों में देखो क्या हो गया, आई डोंट नो, धोने के बाद ऐसे हो गए। ये तो ऐसे लगा किसने जला दिया। तू ही तो ना है वो, क्योंकि तू ही मेरे तजल है। ऐसा कि मन तो इसका लत्ता पैर है, ऐसा तो जब पहरूंगी मम्मी इसका तो लत्ता पैर है। गलती फिरते गाइज, अभी हमने मूवी एंडिंग कर लिया है, तो अभी आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी, हम बीकानेर वाला आए हैं, तो उससे पहले हम आपको रिव्यू दे रहे हैं ऑनेस्ट। तो पहले आप तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ट्रू फैक्ट्स बताए गए हैं, तो जो भी टीनेजर और हिंदू गर्ल्स हैं वो इसको जरूर देखें, मस्ट वॉच। अभी नहीं तो कुछ दिनों में, कुछ दिनों में नहीं तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे या टीवी पे आए जरूर देखें जाके थिएटर में, सपोर्ट करो मूवी को। अब आपकी बारी। बस यही बहुत तगड़ी मूवी और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। भाई मेरा तो छो चढ़ रहा है, क्योंकि मूवी में रियलिटी बताई और मूवी में पूरी रियलिटी बता ना सके। पहली बात तो यह है, तो इतना हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, क्या पता नहीं हुआ है। और उसमें तो बस तीन लड़की की कहानी बताई गई है, ऐसी मतलब 50 से 1000
लड़की है जो केरला मतलब पूरा कन्वर्जन हो रहा है, ये मतलब ट्रैप में फंसा ले, ब्रेन वॉश कर दे, तो यो मूवी जरूर देखो और संभल जाओ। सारी हिंदू लड़की जरूर देखे। हाँ, और संभल जाओ, मतलब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। और मैंने मूवी में जो सबसे अच्छी एक लाइन लगी, जो मैंने पर्सनल लगी, तो जब वो लड़की, एक लड़की तो ट्रैप में फंस जावे, जो एक लड़की ट्रैप में फंसा लेकिन वो वापस आ जावे, जब उसने पता चला कि मैं ट्रैप में फंस चुकी हूँ, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाते, तो अपना आके घर वाला तो सॉरी बोला, तो अपने पापा तो एक बात कह रहे कि आपने हम ते बचपन ते हर चीज सिखाई, हर चीज ए टू जेड चीज सिखाई, बट आप एक चीज सिखाना भूलगा, आपने हमारे ते हमारा हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताई कुछ भी, ठीक है। तो वो मैंने एक लाइन बढ़िया लगी, तो अपना हिंदू धर्म ने भी जानो, और धर्म एक ही अपनो है, ठीक है, तो इसने जानो भाई, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म और सबसे पहले धर्म एक ही धर्म है, यही सनातन है, तो अपना जानो। और कमेंट में कुछ मत करना, सिर्फ जय श्री राम भर देना, जय श्री राम। और इस मूवी ने जरूर देखो, लड़की जरूर देखो। हाँ। और सबसे पहली जो मेरा तो छोट चढ़ रहा है, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं उस मूवी में, तो रियल लाइफ में तो के हुआ, और केरला मतलब में बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, तो इस मूवी ने जाके देखो। और जल्दी जल्दी सब भाई अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू जय श्री राम जरूर लिखवाओ, हमने ना लिखवा रखो, टाइम मिलते गया, अब हम भी लिखवाऊंगा, तो जाओ सब लिखवाओ हमारी तरफ से, सबने जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। इस मूवी ने फैला दो, सपोर्ट करो और जाओ, और बढ़िया मूवी है, ऑनेस्ट रिव्यू है, और इसमें बहुत सच्चाई दिखाई गई है, ठीक है, तो इसमें वो सच्चाई दिखाई गई है जो पूरी कहानी इसमें दिखा भी ना सके, तो जाओ इसने देखो और सपोर्ट करो। अपना घर आज ना जा सको तो कल ना टीवी पाएगी जब दिखाओ, लेकिन हर लड़की तो दिखाओ, हर हिंदू लड़की तो दिखाओ। थिएटर में जय श्री राम का नारा भी गूंज रहा था, ठीक है, और जो मूवी में इतना ब्रेन वॉश कर दे लड़कियां को, हिंदू लड़कियां को इतना ब्रेन वॉश कर दे, इतना ब्रेन वॉश कि वे पागल हो जाओ और कन्वर्जन हो जाओ, ट्रैप में बहुत गंदा फंसे जाओ फिर दूसरा देश के थ्रू सीरिया, और वहाँ उनको ट्रैप हो जाओ, बाद में उन्हें समझ में आवा, तो उस तक पहले समझ जाओ अपना धर्म सबसे बेस्ट धर्म है। फॉरेनर्स भी वृंदावन आ रहा है, उन्हें भी पता है कि सृष्टि विष्णु भगवान ने बनाई है, वही एक है, ठीक है, तो उसी के थ्रू सृष्टि थे, युग चलता आ रहा है, एक ही थो, एक ही है, एक ही रहे, तो जय श्री राम सबने, और अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू और जय श्री राम जरूर लिखवाओ, ठीक है, हमने ना लिखवा रखो लेकिन अब हम लिखवाऊंगा, इस मूवी ने हमारे मोटिवेशन दिया, बहुत अच्छी मूवी है, जरूर, तो अपने धर्म ने अपनाओ, अपने धर्म ने फैलाओ, सबने जय श्री राम, चलते भाई लोग, केक लेना अभी मम्मी पापा के लिए, तो केक लेने चलते हैं, चलो बाय, लव यू ऑल, अभी घर जाके उनसे केक कटवाएंगे, उनको पता एक ही डायलॉग रहेगा, हमें अच्छा ना लगे चो चला। तो हम अब तीनों देखे आया, मैंने अपने घर में दिखा दी सबसे, तो अब आके अब हम फैलाओ उस मूवी ने, तो बाय, ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, कमेंट कर दो जय श्री राम, और कुछ नहीं चाहिए कमेंट में, सिर्फ जय श्री राम, और जय नीम करो ले।